सो वेलकम गाइस वंस अगेन हियर आवर यूट्यूब चैनल क्रे हैक। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको जब टायरमैक्स में एरर आता है उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। टायरमैक्स में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते टाइम आपको जो एरर आ जाती है जब टायरमैक्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टायरमैक्स। टायरमैक्स सर्च करने के बाद आप इसको ओपन कर लेना है और आपको टायरमैक्स को अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो, वरना आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको कहीं और से टायरमैक्स को नहीं डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स ये बात आप ध्यान रखिए, कहीं से भी टायरमैक्स को नहीं डाउनलोड करना है, खाली प्ले स्टोर से करना है। क्योंकि आपको पता नहीं है हैकर्स कहाँ से कौन से एप्लीकेशन में मलेशियस ऐप बाइंड करके दे दें। टायरमैक्स के बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशंस रन करेंगे, आपके डेटा को ब्रीच करें, लीक करें और जो है आपके फ़ोन को वल्नरेबल बना देंगे और आपकी सिक्योरिटी ब्रेक होगी और प्लस आपका फ़ोन भी डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्ले स्टोर से टायरमैक्स डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे क्या करें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे में इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं गिट को इंस्टॉल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया PKG इंस्टॉल गिट, तो अभी देखिएगा यहाँ पे एक एरर शो आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक एरर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है APT UPGRADE अपग्रेड, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको यस कर देना है, वाई दबा के यस करके एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके APTs जो है वो अपग्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप होने देंगे, सबसे पहला कमांड आपको यही डालना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हो जाने देते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है टायरमैक्स का एरर जो होता है, जितने भी एरर होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो उसके लिए भी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे सजेशंस दे दूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 91% हो चुका है और ये हो गया 100 डन। तो यहाँ पे आप ये जो है इसको प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर रहा है, पैकेजेस को अनपैकेज कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप रिसोर्स लिस्ट को भी अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यस करके एंटर दबा देंगे और अगेन आप यहाँ पे यस करके वाई दबा के एंटर दबा देंगे और अगेन यहाँ पे वाई दबा के एंटर दबा देंगे। तो ये सारे पैकेजेस को जो है वो अपडेट कर देगा, सारे रिपोजिटरी को भी अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, पर थोड़ा सा ही टाइम लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम पूरा हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर इटालियन कमांड APT UPGRADE अपडेट, तो यहाँ पे ये APT को अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये हो चुका है, फिर PKG UPGRADE अपडेट और ये पैकेजेस को अपडेट कर लेगा, जो भी पैकेजेस पुराने पड़े होंगे। PKG UPGRADE अपग्रेड, तो यहाँ पे ये पैकेजेस को अपग्रेड कर लेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स आप क्या करना है, PKG इंस्टॉल जो इंस्टॉल करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गेट करके दिखाता हूँ आपको इंस्टॉल, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रन करा दिया कमांड और यहाँ पे वाई दबा के एंटर दबा देंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देंगे हम। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, और इसको दिखा देता हूँ मैं पूरा रन करा के। और फ्रेंड्स देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए एक चीज़ मैं एक टूल और इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे मैं नैनो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे में है, तो इसकी मैं चलिए तो मैं आपको nmap करके दिखाता हूँ। nmap, तो यहाँ पे nmap, यहाँ पे वाई मैंने दबा दिया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे nmap इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, मतलब डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, और इसको डाउनलोड कंप्लीट होते ही ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं nmap सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको nmap का यूज़ करके दिखाता हूँ। nmap लोकल होस्ट। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली nmap आपका रन कर रहा है।
तो फ्रेंड्स अगर इस इतने से आपका अगर फिक्स हो जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जा रही है तो ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपकी प्रॉब्लम्स अभी भी फिक्स नहीं हुई है तो यहाँ पे आप टाइमएक्स को एग्जिट कर दीजिए, फिर से ओपन करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे 3-4 रिपोजिटरी आपको शो हो रही होंगी, तो आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक रिपोजिटरी इंस्टॉल कर सकते हैं, या चाहें तो आप आपको मल्टीपल रिपोजिटरी भी दिखा सकते हो कि कैसे वो मल्टीपल रिपोजिटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिनट में वीडियो पॉज करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है TERMUX टर्मैक्स और माइनस का सिंबल, फिर यहाँ पे लिखना है CHANGE चेंज, फिर माइनस वाला सिंबल, और यहाँ पे लिखना है REPO रेपो, और उसको एंटर दबा देना है। तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरीज या कुछ शो कर रही होंगी, तो यहाँ पे आप जो चाहें वो रिपोजिटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन रिपोजिटरी है, तो यहाँ पे मैं साइंस वाला सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। साइंस रेपो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। अब आप इसमें से जो चाहें वो रिपोजिटरी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी रिपोजिटरी इंस्टॉल नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैं Ctrl+C से दबा के यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आज का हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी अगर एरर आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।